Hey everyone, a very good morning to all. So today in this class we are going to read landmarks, okay? Landmarks like parks and hospital, police station. As we know that our chapter number six is going on in social science subject, you know? So आज हम क्या read करने वाले हैं? आज हम landmarks के बारे में read करने वाले हैं. And we had read in one last class. What about that? किसके बारे में पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था मार्केट्स के बारे में, है ना? Like मार्केट्स में क्या होता है? एक लैंडमार्क होता है जहां से हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं. लाइक ग्रोसर होता है मार्केट में, स्टेशनरी शॉप होती है ना, अलग अलग तरह की शॉप होती है. वैसे पार्क, पार्क्स क्या होते हैं, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? जैसा हमें पता है कि पार्क्स भी क्या होते हैं, अपने घर के आसपास देखने को मिलते हैं, है ना? तो पार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम. मोस्ट नेबरहुड्स इन अ सिटी आल्सो हैव पार्क्स. मतलब कि अपने जो अधिकतर जो घर होते हैं, घर के आस पड़ोस की जगह में पार्क्स देखने को मिलते हैं और होते हैं. दीज पार्क्स हैव ट्रीज, प्लांट्स एंड स्विंग्स एंड स्लाइड्स. ये जो पार्क्स होते हैं, पार्क मतलब क्या होता है, बगीचे होते हैं. इनमें क्या होता है, ट्रीज होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं. प्लांट्स दैट मीन्स पौधे होते हैं. स्विंग्स क्या होता है, SWING, स्विंग्स मतलब क्या होता है, झूले होते हैं, झूलने वाले, है ना, झूला झूलता है ना हम, वही. एंड स्लाइड्स मतलब जो स्लाइड्स में क्या होते हैं, एक तरह का स्विंग होता है ना, झूला होता है जिसपे हम क्या करते हैं, बच्चे स्लाइड करते, ऊपर चढ़ते हैं और स्लाइड करते हैं. सो क्या होता है पार्क में, पार्क हमारे घर के आसपास देखने को मिलते हैं. पार्क्स में बहुत सारे ट्रीज, प्लांट्स, स्विंग्स और स्लाइड्स होती है. चिल्ड्रन गो टू प्ले इन पार्क. चिल्ड्रन होते हैं जो पार्क्स में क्या करते हैं, खेलने जाते हैं. और पेरेंट्स मतलब हमारे जो मम्मी पापा, एंड ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स लाइक दादा दादी या नाना नानी जो होते हैं, वो भी पार्क में क्या जाते हैं, वॉक करने जाते हैं. पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो गो टू पार्क्स टू वॉक एंड एंजॉय द फ्रेश एयर. अपने जो पेरेंट्स है, अपने माता पिता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स लाइक अपने दादा दादी जी और नाना नानी जी होते हैं, वो भी पार्क में मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह वॉक करने जाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, फ्रेश एयर को एंजॉय करते हैं. ओके, पार्क के बारे में समझ में आया. पार्क क्या होता है, हमारे घर के आसपास पाया जाता है. पार्क में क्या होता है, पार्क मतलब बगीचा, है ना, उसमें क्या होता है, ट्रीज होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, स्विंग्स झूले होते हैं, स्लाइड्स होती है. वहां पे पार्क में बच्चे भी खेलने जाते हैं और अपने जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी वॉक करने जाते हैं और क्या इंजॉय करते हैं, फ्रेश एयर को इंजॉय करते हैं. ओके, विच इज वेरी हेल्दी, अपने लिए बहुत हेल्दी होती है फ्रेश एयर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लैंडमार्क. हियर इज लैंडमार्क क्या है, प्लेसेस फॉर एन एमरजेंसी. एमरजेंसी क्या होती है, मतलब आपातकालीन. कभी कभी आपको पता है कि अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें, ऐसी इंसिडेंट हो जाती है कि हमें एमरजेंसी किसी को कॉल करना होता है. लाइक कोई थीफ वगैरह आ जाते हैं, है ना, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, पुलिस की हेल्प लेते हैं, है ना. और कभी कहीं पे आग लग जाती है ना, फायर कुछ हो जाता है, आग लग जाती है या कुछ भी, फायर कुछ भी है ना, ऐसे इंसिडेंट हो जाती है फायर को लेके, तो हम किससे कॉल करते हैं, फायर स्टेशन कॉल करते हैं. तो इमरजेंसी मतलब ऐसी आपातकालीन घटनाएं जिसमें हमें किसी की हेल्प लेनी होती है. सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पुलिस स्टेशन, ओके, विच इज ऑल्सो अ लैंडमार्क. वेन समथिंग दैट माइट हार्म अस हैपन सडनली. जब भी कुछ भी अचानक कुछ ऐसा घटता है, माइट हार्म अस हैपन, कुछ ऐसा भी घट जाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तब हम क्या करते हैं, वी कैन कॉल इट एन एमरजेंसी. तो हमें किससे कॉल करना पड़ता है, एमरजेंसी, आपातकालीन कॉल करनी पड़ती है. आपातकालीन मतलब कॉल करो और तुरंत हमें क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है. ओके, सो वी मस्ट टेक प्रॉम्प्ट एक्शन. प्रॉम्प्ट एक्शन क्या होता है, जैसा जो भी हमने जो भी इंसिडेंट घटती है, तुरंत हमें क्या लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, उससे कहते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन. प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब समझ में आया आपको,
जब भी तुरंत हमारे द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है, अगर कुछ है ना, हमें हेल्प की जरूरत है, कुछ ऐसा घट गया, तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉम्प्ट एक्शन, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है ना? तुरंत एट द मोमेंट हमें क्या करना पड़ता है? हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन। इफ देयर इज एन एमरजेंसी, अगर हमें कहीं पे एमरजेंसी लगती है कि कुछ ऐसा घट गया है, तो हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, ओके? उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन। सो हमें देखो, एमरजेंसी पड़ने पे सबसे पहले हम पुलिस को कॉल करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, द पुलिस वर्क इन अ पुलिस स्टेशन। जो पुलिस होती है वो कहाँ वर्क करती है, कहाँ काम करती है? पुलिस स्टेशन में, ओके? क्या करती है पुलिस? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड अदर डेंजर्स। जो पुलिस होती है वो हमें थीव्स मतलब चोर होते हैं उनसे, और अदर मतलब और अन्य प्रकार के जो खतरे होते हैं, डेंजर्स, उनसे क्या करती है? हमें सुरक्षित रखती है। इन केस ऑफ एनी ट्रबल, किसी भी ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुसीबत। किसी भी मुसीबत के समय वी कैन डायल 100 या 100 टू कॉल द पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प। कभी भी कोई ट्रबल हो जाता है हमें, मतलब कोई मुसीबत हो जाती है, तो हम क्या डायल करके पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं? 100। ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कवर होता है कि जो पुलिस स्टेशन होता है उसके ना डायल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर क्या होते हैं? 100। ओके, समझ में आया पुलिस स्टेशन के बारे में? नाउ कमिंग टू द फायर फाइटर्स। अब फायर फाइटर्स क्या होता है? नेम से ही क्लियर होता है कि जो आग से, फायर से फाइट करते हैं। जब भी आसपास कहीं कहीं पे फायर लग जाती है ना, तो हम क्या करते हैं? फायर स्टेशन में कॉल करते हैं, और जो फायर फाइटर्स आते हैं वो आके जो फायर है उसको क्या करते हैं? बुझा देते हैं। ओके, सो फायर फाइटर्स वर्क इन अ फायर स्टेशन। जो फायर फाइटर्स होते हैं कहाँ वर्क करते हैं? फायर स्टेशन में। जैसे पुलिस होती है वो पुलिस स्टेशन में वर्क करती है। ओके, व्हेन देयर इज अ फायर, जब भी कहीं पे आग लगती है, इन द नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में कहीं पे भी क्या होती है? फायर हो जाती है, तो दे कम इन अ रेड फायर इंजन। कौन आता है? फायर फाइटर्स कम इन अ रेड फायर इंजन। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो, रेड इंजन होता है, रेड फायर इंजन में आते हैं वो। क्यों आते हैं? टू पुट आउट द फायर, फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आते हैं रेड फायर इंजन में। ओके, एंड वी कैन डायल 2101 कॉल द फायर स्टेशन। और हम क्या कॉल करके जो फायर फाइटर होते हैं उनको बुला सकते हैं? 101। और पुलिस स्टेशन वाले क्या, कौन से नंबर थे? डायल नंबर। वी कैन डायल 2100 टू कॉल द पुलिस स्टेशन, और फायर स्टेशन का 101। क्लियर? नेक्स्ट कमिंग टू द हॉस्पिटल लैंडमार्क। हॉस्पिटल में कौन वर्क करता है? डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन वर्क करता है? डॉक्टर्स और नर्सेस। ठीक है। सो वी कैन गो टू अ हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। कब? व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं? हॉस्पिटल। ओके, सो मैनी हॉस्पिटल्स हैव एम्बुलेंसेस। एम्बुलेंसेस क्या होती है? कहीं भी किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल लेकर आना होता है तो एम्बुलेंस का यूज किया जाता है। ओके, एंड वी कैन डायल 102। कौन से नंबर? 102 टू कॉल एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस बुलाने के लिए हमें किसका, कौन से नंबर डायल करने पड़ते हैं? 102। इफ वी आर वेरी अनवेल, जब हम बहुत ही ज्यादा, हम या किसी की भी तबीयत या हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब होती है, तो कौन से व्हीकल में हम लेके जाते हैं पेशेंट को? हॉस्पिटल, एम्बुलेंस में। ओके, यहाँ पे एक और मैं बात बताना चाहती हूँ फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, कि एम्बुलेंस में क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि एम्बुलेंस में हम पेशेंट को लेके जाते हैं तो काफी ट्रैफिक होता है अपने, है ना, रोड्स पे। तो एम्बुलेंस एक ऐसा सिंबल होता है जिसमें लोग क्या करते हैं? उसे जाने देते हैं, चाहे ट्रैफिक होता है चाहे कुछ भी होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम पे पहुंचना हॉस्पिटल पे। क्यों? क्योंकि उसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में होता है, तब भी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पेशेंट को लेके जाया जाता है। ओके, सो आई थिंक क्लियर टू यू दिस चैप्टर। आज हमने क्या किया है? टुडे वी रेड चैप्टर नंबर 6 इन आवर एसएसटी सब्जेक्ट। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन रीड इट। See you soon in next class.